क्लास कुछ कर रही हैं। थोड़ी ज्यादा आउटडोरी है, सो वो सब उनको बहुत हेल्प करता है, दैट्स व्हाई देयर जेनेटिक्स आर लाइक दैट आल्सो। या हाँ फेसबुक पे चले जाओ, मैं इंस्टा पे जाता हूं। व्हाटएवर यू प्रेफर, आई हैव मोर रीच ऑन इंस्टा, सो इंस्टा इज बेटर। सो एक्चुअली सो डू आई, बट ठीक है कोई बात। अच्छा ओके, इंस्टा इज सो मच मोर कन्वीनिएंट, इट इज कन्वीनिएंट एंड देन एवरीबॉडी, यस यस, फेसबुक इज। सो वी मेक दिस आईजीटीवी स्टोरी, वैसे ना हां कैसे करते हैं इसको, सो यू कैन गो विद इंस्टा एंड भाई किसी को पता है आईजीटीवी कैसे शूट करते हैं? उसके ऊपर है ना ऑप्शन, उसके ऊपर ये जस्ट ओएच पर वो कानून के पैर थोड़े लंबे हैं। बस ठीक है। लॉर्ड, आई डोंट नो हाउ डू यू शूट दिस। ओके, ये लो लाइव चले जाओ भाई, इंस्टा से कर दो। Somebody hold this and actually maybe we should. No, you can turn it. Turn the camera the other way around and then yeah. It's already started. Yep. Let them see the stuff that happens before as well. Let it go. Don't worry. चलने दो। चल। अब आप शूट करते रहो। देख लो शूट हो रहा है कि नहीं। The point is कि मुझे था कि जितने दो तीन दिन पहले जितने लोगों को एक बार खान में बात डालते हैं। हाँ वही। अब वही। आजकल इतना So many things happen. Everybody gets too many notifications to do many things. Yes. और शमा बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। काफी अरसे बाद नजर आ रहे हैं आप। हाँ हम दोनों से कभी ऑन स्क्रीन नजर ही नहीं आए, पहली बार नजर आए। काफी बाद नहीं, पहली बार नजर आए। इनफैक्ट हो सकता है इसके बाद और हो, किसी को करना चाहिए, बिकॉज लोग यू नो पैसा खर्चते हैं और कहानियां बनाते हैं और उनको केमिस्ट्री की गारंटी नहीं होती, यहाँ गारंटी है। काफी मजा आया होगा साथ। नहीं मुझे हमेशा इनके साथ काम करके बात करके हमेशा मजा आता है। हालांकि ये मेरे पहले पड़ोसी थे, मुझे बहुत साल तक पता ही नहीं था कि ये मेरे बिल्डिंग में रहते हैं। मैंने इनको एक दो बार नीचे देखा और पहले मुझे लगता था बड़ा खड़ूस आदमी है। मुझे पहले लगता था बड़ा ही खड़ूस आदमी होगा ये, पता नहीं कैसा है, बात बात करता नहीं है, मैं खुद ही बात नहीं करती थी उनसे। तो आई एम जस्ट यू नो इंसान की हैबिट होती है दूसरों पर ब्लेम कर देना। पर मुस्लिम के लिए मैं हूँ खड़ूस। अच्छा ऐसा, तो वो हमेशा बोलते हैं बट ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैं सिलेक्टिवली नॉन खड़ूस हूँ मोस्ट अदर पीपल। या नो बट विथ मी ही वाज फैंटास्टिक, द मोमेंट वी कनेक्टेड वी जस्ट कनेक्टेड एंड तभी साथ में काम नहीं किया जब साथ में रह रहे थे एक ही बिल्डिंग में। बट नाउ फाइनली वी गॉट अ चांस, आई हैड दिस स्टोरी एंड आई वाज लाइक हु टू टॉक टू बिकॉज आई वांटेड अ फ्रेंड यू नो हु कैन अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ अब्दुल किसून। जैसे कि आप सब जानते हैं क्या उसका मोटिव है, क्या उसका हम किस नज़र से उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। सो आई वॉन्टेड समबडी हु कैन अंडरस्टैंड एंड गौरव एंड मी हैव दिस बॉन्ड फ्रॉम बिफोर यू नो वी सॉर्ट ऑफ एक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग है। नहीं बहुत सारे थॉट प्रोसेस जो इंसान के होते हैं वो जब मैच कर जाते हैं तो बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाता है। सो व्हेन शी कॉल्ड एंड शी सेड वन लाइन कि वो ऐसा कुछ करना चाह रही हैं एंड आई वाज लाइक ओके, बिकॉज उससे ज़्यादा ना उन्हें कहने की ज़रूरत थी ना मुझे कुछ और समझने की ज़रूरत थी। एंड एज अ पर्सन यू नो व्हेन
अगर कोई ऐसा इंसान होता है जिससे मिलकर आपको खुशी होती है तो उसके साथ काम करके फिर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज इट्स लाइक अ बोनस जहाँ पर आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जिससे वैसे भी मिलने में आप खुश होते हैं। कहानी एक बहुत, चाहे छोटी कहानी है पर एक बहुत रेलिवेंट बात कह रही थी, एंड आई थिंक इस तरह की बातें और कही जानी चाहिए। और जिस नीयत से शमा इन बातों को लोगों के सामने रख रही हैं वो नीयत इतनी पाक, इतनी साफ़ है दैट मेरे लिए उसमें हिस्सा बनना या इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को जोड़ना या यू नो कोशिश करके इनका हाथ बटाना वाज समथिंग दैट आई वुड रियली वांट टू डू। एंड एक और अच्छी बात जो इनमें है, जो हमारी कॉन्वर्सेशन में हमेशा होता है, वो ये कि ये बातें फॉर्मेलिटी सेक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट नहीं कहती, शी एक्चुअली बिलीव्स इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इन सब फिल्मों में जो भी ये बातें कह रही हैं ये वो हैं जो सचमुच इनके दिल से निकली हैं। एंड सो फॉर मी टू यू नो रेजोनेट दैट इन से कि हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ वो इज क्वाइट ईजी। Thank you. So, Shama, how you come with like acceptance? Fifth chapter, naam acceptance. ये कैसे और कब? Actually, मैंने अपनी life में सीखा कि हम बहुत कमज़ोर हैं accept करने में। Humanity जो है बहुत कमज़ोर है। जब भी कोई बात ऐसी आती है, an acceptance is actually the biggest key to success. जब आप एक चीज़ें accept करना सीख जाते हैं life को as it is, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है, इट बिकम्स वेरी सिंपल। एंड हमने बहुत छोटी सी बात यहाँ बोलने की कोशिश की है क्योंकि मैंने ये सीखा है लाइफ में कि सब सिखाते हैं सच बोलो सच बोलो सच बोलो, लेकिन सच सुनना कोई नहीं सिखाता, तो हमें आता ही नहीं है सच को कैसे सुना जाए और कैसे लिया जाए। हम सिर्फ दूसरों से उम्मीद करते हैं भाई तुम सच बोलो, बट हमारा खुद का कुछ पता नहीं। सो आई थिंक जब हम खुद इतनी सच 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 डिमांड करते हैं तो हमें सच को देना भी और सच की तरफ अपना एक्सेप्टेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड दिस। और मुझे लगा कि जब ये मैं फिल्म के बारे में सोच रही थी तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स बन रही थी, टूट रही थी, यू नो रिलेशनशिप के बारे में ही हो रहा था। मैंने कहा यार ये बहुत ही सिंपल बात है कि जब एक रिलेशनशिप इतना छोटा सा सच जो इतनी बड़ी वजह बन जाता है किसी बहुत बड़े दरार की, तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सवाल हमारा ऑडियंस से होना चाहिए कि भाई आप सोचिए कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ एक्सेप्टेंस केम, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड यू नो समबडी जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले एक बहुत अच्छी दोस्ती हो जिसके साथ मैं बहुत ही अच्छे से कर पाऊँ इसे, ना कि बिकॉज हमारे शूट एक ही दिन की होती है यू नो, सो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अपनी केमिस्ट्री बनाएं फिर जाने फिर पहचाने एंड ऑल दैट। एंड when I could think of somebody who can match my persona, there was only Gaurav. So I just called him. I said, "देखो भाई तुमको ये करना है। ये बड़ा jalebi वाला compliment था। No, but it's not. I should say thank you. But एक चीज़, one thing that I want to add is that, you know, हम बचपन से सुनते आते हैं that truth की अपनी एक strength होती है, सच की अपनी एक ताकत होती है, और हम हमेशा किताबों में पढ़ते हैं और भाषण में कहते हैं कि आप सच कहें और सच की ताकत प्रिवेल करेगी और झूठ उसके सामने झुक जाएगा। पर सच की ताकत प्रिवेल करेगी और ट्रूथ की अपनी स्ट्रेंथ होती है, पर क्या आपको वो ट्रूथ सुनने की स्ट्रेंथ आप में है? क्या वो ताकत आप में है कि आप एक ऐसा सच सुने जो शायद आप ना सुनना चाहें? क्योंकि सच मोस्ट ऑफन देन नॉट वही होता है। ये दुनिया के जो दिखावे हैं वो सब झूठ हैं और वही हमारे लिए प्लेजेंट हैं। बट अगर कोई उस शोर शराबे से हटकर आपको बिल्कुल टू द पॉइंट सच बात कह दे, तो डू यू हैव द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट? एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द थॉट इज। दैट्स द थॉट इज। अब दिल की सुने इसके और भी काफी एपिसोड पहले जैसे ग्रेटिट्यूड मर्सी आपने गौरव देखे सारे? जी मैंने सारे देखे हैं। एंड इसलिए मैंने कहा कि जो उम्मीद मुझे थी कि जिस तरह से हर छोटी कहानी में एक कोई दिल की बात होगी और कहानी के एंड में फिर एक सवाल भी होगा आपके लिए, एंड आई थिंक बाकी कहानियों के बारे में तो मैं इतनी गारंटी से नहीं कह सकता, बट इसमें फॉर श्योर देखने के बाद सिर्फ एक मैसेज ही नहीं, एक आपके लिए खुद ज़िंदगी में सोचने के लिए भी एक सवाल है। आपको शायद 10 दिन लगे उस बात का जवाब ढूंढने में, पर yeah. शायद यही हम चाहते हैं दैट इट्स नॉट जस्ट अ मैसेज दैट वी गिविंग, वी आर ऑल्सो आस्किंग यू टू थिंक अबाउट दिस एंड कम टू अ कंक्लूजन ऑफ योर ओन। जब महसूस होता है तभी आप उस पर कोई एपिसोड या पिक्चर बनाने की सोचते हैं,
अगर आपको कभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या फिर इंडियन ही कहूँगा, बॉलीवुड नहीं कहूँगा, एंटरटेनमेंट, अगर इन पे कोई 3 या 4 मिनट की कोई स्टोरी बनाई जाए, कोई सच्चाई दिखाई जाए, तो उस चैप्टर का क्या नाम होगा? ये तो सोचना पड़ेगा यार, क्या होगा उस चैप्टर का नाम? इल्यूजन, एक्चुअली माया। प्लगइन, सारे प्लगइन कर दो मेरे सारे अपने काम। या इट इज ऑल इल्यूजन, एवरीथिंग इज इल्यूजन हियर। जो आपको दिखता है सिवाय इसके वो वैसा नहीं है, ये वैसे ही है, ये वैसे ही, ये एकदम शुद्ध 100% वैसे ही, वैसी बात भी वैसी, दिल भी सच्ची और ऑथेंटिसिटी से। गौरव से हम पहले मिल चुके हैं, उस बारे में बात कर चुके हैं, और डिजिटली हम बात जब आप गोरेगांव स्पोर्ट क्लब में आपने कहा था कि अगर सेंसरशिप की बात करें हम, तो अगर वेब सीरीज में हो डिजिटली, अगर वेब सीरीज में ना हो तो वो मूवी में भी नहीं होना चाहिए। तो शमा, इस बारे में आपका क्या राय है, क्या वेब सीरीज डिजिटल में भी सेंसरशिप होना चाहिए? मैंने ये कहा कि आपका लॉजिक आज के टाइम के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी एक मीडियम में कोई चीज़ नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि उससे कुछ हो जाएगा, तो फिर वो लॉजिक दूसरे मीडियम पे भी अप्लाई करता है, और अगर यहाँ अप्लाई नहीं करता तो फिर वहाँ भी नहीं करता। सो यू शुड रीथिंक दिस होल थिंग। एंड अगर आपको बनाने हैं लॉज, पहले तो होने नहीं चाहिए, पर अगर बनाने हैं तो फिर वो आज के हिसाब से होने चाहिए। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है, पूरी हमारी कंट्री की बात मैं कर सकती हूँ इस वक्त, बिकॉज हमारी कंट्री के बारे में हम यहाँ जिए हैं, पले बढ़े हैं। मुझे लगता है हमारे लॉज ना बहुत 100 साल पहले बन गए और वो पत्थर की लकीर बना दिए लोगों ने। वो वक्त के साथ बदलने बहुत ज़रूरी हैं। वो हर किस्म के लॉ आप देख लीजिए, चाहे वो रिलीजन को लेके हैं या सोसाइटी को लेके हैं या सोशल लॉज जो हमारे होते हैं, वो इतने हज़ार साल पहले बने हुए हैं। आई थिंक नाउ इज़ हाई टाइम, बिकॉज दैट्स वाई सो मैनी कॉन्ट्रडिक्शन, सो मैनी कॉम्प्लिकेशन आर हैपनिंग, बिकॉज आप आज वो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और आप आज की दुनिया पर वो लॉज अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं या यू नो ज़बरदस्ती उन्हें थोपा जा रहा है, तो कैसे होगा? यू वॉन्ट टू मेक लॉज, देन मेक लॉज अकॉर्डिंग टू टूडेज वर्ल्ड। ही इज एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही सेज दैट, यू नो, इट मेक्स कंप्लीट लॉजिक टू मी। एंड ये सोचना चाहिए कि जब वो लॉ बना तो क्यों बना, या exactly. और उस वक्त क्यों बना, या तो उस वक्त के ऐसे हालात थे या उस वक्त कुछ ऐसे दौर थे जिनकी जिनके हिसाब से उन समझदार लोगों ने उन लॉज को बनाया फॉर दैट टाइम। So, the समझदार लोग of this moment will have to do that again. No, but I already, हम लोग बहुत lazy हैं, हम लोग conveniently वही follow किए जा रहे हैं। I also feel that the laws are made for us. It is for us, but we should not forget us. What happens is we go behind the law so much that we forget that it is made for people, for betterment of people. अगर वहाँ betterment नहीं आ रही है लोगों की ही, तो फिर वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो फिर आपको रीथिंक करना ही चाहिए, बिकॉज वो लोग जो चीज़ लोगों के लिए आपने बनाई है, बेटा मैंने खाना तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन खाना तुम वेस्ट मत करना, तुमको भूल गई मैंने खाने पे ही ध्यान दे दिया, मैंने खाना बनाया है तुम्हारे लिए, बट तुम्हारे लिए मैंने बनाया है और तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम कौन हो वो तो भूल गया। सो यू नो, वो बेचारा तुम जो है वो ज़बरदस्ती बोलेगा मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाना चाहता है, क्यों खिला रहे हो मुझे, नहीं मैंने बनाया खाना, तुम खाओ, यू नो। सो आप भूल जाते हैं कि किस मकसद से क्या चीज़ बनाई गई थी। आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। हम यही कहेंगे कि प्लीज़ शमा सिकंदर फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे जाइए और हमारा 5th chapter जो इस फ्राइडे को 3 बजे रिलीज़ हो रहा है उसे देखिए और देखिए और शेयर करिए, बिकॉज ये फिल्में जो हमने छोटी छोटी बनाई हैं, कई लोग मुझे शिकायत करते हैं इतनी छोटी फिल्में क्यों बनाई हैं आपने, बिकॉज आप सबका अटेंशन स्पैन इतना छोटा होता जा रहा है कि हम कैसे बड़ी फिल्में बनाएं। हम अगली बार बड़ी बना देंगे। या इन्हें जोड़ दें। या आपके पास अब तो बहुत सारा कोटा हो गया, अब आप जाके देखते रहे उन्हें एक के बाद एक। सो प्लीज़ देखें, प्लीज़ शेयर करें, एंड वी नीड ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इफ़ यू रियली वॉन्ट दिस काइंड ऑफ सिनेमा टू बी मेड एंड ऐसी बातें और कहीं जाएँ, देन आपको और सपोर्ट देना पड़ेगा, आपको और प्यार दिखाना पड़ेगा। सो प्लीज़ देखिए उसे, और आई होप यू नो, आई एम रीडिंग ऑल द कॉमेंट्स एंड दे समटाइम्स दे एक्चुअली ब्रिंग टीयर्स टू माई आईज आउट ऑफ जॉय, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आउट ऑफ सो हार्ट फीलिंग, बिकॉज आई रियली डिडंट नो। मैंने तो एक चीज़ बनाई थी कि लोगों को कहीं हेल्प हो जाएगी, बट इतनी हेल्प हो रही है या इतने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, इस कदर के कॉमेंट्स लिखते हैं, रिलेट कर रहे हैं अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो जब आप लोग ऐसा लिखते हो तो हमें बहुत उसके लिए करेज मिलता है और बनाने के लिए, हमें बहुत
क्या क्या कहते हैं उसे, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं हम. सो प्लीज़ अपने फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करिए. आई मीन एक्सप्रेशन, एक सीरीज़ में इसमें भी बनाऊंगी एक्सप्रेशन. बहुत ज़रूरी है बिकॉज कई चीज़ें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आगे वाले को पता नहीं चलता. ओवर एक्सप्रेस, ओवर एक्सप्रेस, सो बैलेंस हैज़ टू बी देयर. सो या, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग अस एंड जस्ट कीप स्प्रेडिंग लव. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.